नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डेली क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास मिल रही है दोस्तों, तो उसको ही हम आगे बरकरार रखते हुए दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बस आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चनों के आंसर देते हुए चलें, अपनी प्रैक्टिस को दोस्तों बरकरार रखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉन्ड पेपर में वाटरमार्क पेपर बनाने की मशीन में निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा बनाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ें इसको, द वाटर मार्क इन ए बॉन्ड पेपर इज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पेपर मेकिंग मशीन? हेडवॉक्स, वायर, प्रेसिंग यूनिट, टेंडी रोलर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेंडी रोलर, यानी कि बांका रोलर। दोस्तों जो बॉन्ड पेपर होता है उसमें वाटर मार्क दोस्तों मशीन का कौन सा भाग बनाता है? डेंडी रोलर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, ये आप कर ही रहे हैं 2-3 दिन से, तो अब दोस्तों इसकी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपने इसको तो यानी कि आपको पता ही है कि कैपिटल लेटर हैं उनका दोस्तों कोड क्या है? स्मॉल लेटर है। तो हमको किसका कोड बताना है दोस्तों? हमको बताना है इसका कोड, SLMHGP। तो अब दोस्तों ऑप्शन हमारे ये दिए हुए हैं ABCD। तो अब यहाँ पर आप देखें एस का कोड क्या हो जाएगा, तो एस का कोड क्या है? ओ। तो ओ देखें दोस्तों ऑप्शन ए में है, कहाँ मिल रहा है? ये वाला। ऑप्शन बी में देखें दोस्तों कहीं नहीं है। ऑप्शन सी में देखें तो ओ हमारा कहीं है? नहीं है। ऑप्शन डी में भी दोस्तों नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा चेक करते हैं हम, तो एल का दोस्तों कोड क्या हो जाएगा? एल का कोड यू, तो यू यहाँ पर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एम, एम का कोड क्या है दोस्तों? एम का कोड एन, तो एन यहाँ पर दिया हुआ है। एच, एच का कोड क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एच का कोड है वी, तो बी यहाँ पर दिया हुआ है। और जी का कोड क्या है? तो जी का कोड है आई, जी का कोड क्या है? आई। और पी का कोड क्या है? पी का कोड है एच, ये दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, PSGZDO, तो पी का कोड आपको बताना है, पी का कोड क्या हो जाएगा? तो पी का कोड क्या है? एच। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एच यहाँ पर कहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी में देखें दोस्तों एच है, तो इसमें भी नहीं है। यहाँ पर देखें दोस्तों ऑप्शन सी में, तो एच नहीं है। ऑप्शन डी में देखें दोस्तों एच, तो एच दोस्तों पी का कोड क्या है? एच। तो एच हमको कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है। अब एस, एस का कोड देखें तो क्या है? ओ, तो ओ मिल रहा है दोस्तों। जी, जी का कोड देखें तो क्या है? आई, तो आई मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ABC इन तीनों में नहीं है और इसमें सिर्फ एक जगह पर दिया हुआ है, तो ऐसे पूरा मैच करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन को टिक करें दोस्तों। ऑप्शन जैसे बी दिया हुआ है, बी का सर्कल भर दें दोस्तों इस तरीके से, और आप आगे बढ़ जाएं। पूरा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरा चेक कर लेते हैं। अब डी का कोड देखते हैं दोस्तों, डी का कोड क्या दिया हुआ है? तो डी का कोड जेड दिया हुआ है, तो जेड बिल्कुल सही है। ओ का कोड क्या है? तो ओ का कोड ई, तो ई, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी से रिलेटेड की गई है। अब दोस्तों राज्यपाल को आप किससे करेंगे रिलेट? अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री यानी कि सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। अब आपको पहली महिला राज्यपाल बतानी होंगी। इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है कि मुख्यमंत्री जो पहली थी वो सुचेता कृपलानी थी, और दोस्तों जो राज्यपाल हैं अब आपको वो बताना है जो महिला, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी, एनी बेसेंट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अब आपको एकदम बिल्कुल ठीक ऐसा ही बताना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर पहले कॉलम में नाम और पते का संयोजन दिया गया है,
उसके सामने के कॉलम ए बी सी और डी में भी इस प्रकार के एक एक संयोजन दिए गए हैं, इनमें से आपको ठीक वैसा ही संयोजन छांटना है जो पहले से मेल खाता है। तो दोस्तों अब ये आपको बताना है इस ऑप्शन में कौन से में मेल खा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर महेंद्र शर्मा, तो यहाँ पर एन दिया हुआ है, एम होना चाहिए, तो पहले ही स्टार्टिंग में गलत हो गया। दोस्तों ये देखते हैं, एम ए एच ए एन डी ए आर बिल्कुल सही है, शर्मा है दोस्तों एकदम ठीक है। यहाँ पर देखें, एम ए एच ए एन डी ए आर बिल्कुल सही है, शर्मा की स्पेलिंग सही है, महेंद्र शर्मा दोस्तों ठीक है। यानी कि अब हम चलते हैं दोस्तों गली नंबर 7, गली नंबर कितनी है 4N, तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, गली नंबर 7N बिल्कुल सही है, गली नंबर 7N बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली देखते हैं, तो दिल्ली एकदम ठीक है, यहाँ पर भी दिल्ली एकदम ठीक है। फ़ोन नंबर 7298855 7299, दोस्तों यहाँ पर 99 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 88, तो ये हमारा कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं 7298855, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसका बताना है क्या होगा। तो दोस्तों अब हमको ये देखना है SH यानी कि श्री बाबूलाल वर्मा, तो यहाँ पर दोस्तों श्री लालू लाल वर्मा लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। श्री बाबूलाल वर्मा दोस्तों एकदम ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बाबूलाल वर्मा बिल्कुल सही है, श्री बाबूलाल वर्मा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर रामपुरी पंजाब, तो रामपुर लिखा हुआ है, आई यहाँ से मिसिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों देखें यहाँ पर रामपुरी पंजाब एकदम ठीक है, यहाँ पर रामपुरी पंजाब बिल्कुल सही है। अब दोस्तों पिन नंबर देखें 205111 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 205122 है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज द प्रेजेंट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान के भारत के वर्तमान में CDS कौन है, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, APJ अब्दुल कलाम, बिपिन रावत, दलवीर सिंह सुहाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 नाम या शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर द्वितीय स्थान पर आने वाला नाम या शब्द छांटना है। दोस्तों दूसरे स्थान पर जो आए वो आपको बताना है, हेक्टर, हेदर, हर्ट, हीट। तो देखें दोस्तों यहाँ पर HE सभी में कॉमन दिया हुआ है, उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है ए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, ए, लेकिन ए के कितने? 3। तो दोस्तों अब हम इससे आगे चलेंगे तो ऑप्शन ए वाला तो हमारा होगा नहीं, सबसे लास्ट में पहुँच गया, तो ऑप्शन बी में दोस्तों ए से आगे गए तो टी, यहाँ पर गए ए से आगे तो आर और यहाँ पर गए ए से आगे तो टी। दोस्तों अब सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा, आर वाला, कौन सा आर आएगा, यानी कि ये पहले पर हो गया, अब डबल टी है। दोस्तों इन दोनों में देखते हैं, तो अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दोस्तों यही तो होगा, और यहाँ पर टी दी हुई है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी दोस्तों द्वितीय स्थान पर ही पूछा है, तो देखते हैं, EIM इम्प्लाई, इम्प्लिसिटली, इम्प्रिंट, इम्पोज। तो दोस्तों यहाँ पर M यानी कि IM सभी में कॉमन है, उससे आगे चलते हैं P, दोस्तों P भी सभी में कॉमन है, इससे आगे चलेंगे तो L, अब यहाँ पर भी L है, यहाँ पर क्या है दोस्तों R और यहाँ पर क्या है O, तो अब इन सभी में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, एल आता है, क्या आता है दोस्तों एल, लेकिन एल के कितने? 2, ये दोनों दोस्तों एल के दिए हुए हैं, तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो एल के बाद क्या है वाई और यहाँ पर एल के बाद आई, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों आई वाला, यानी पहले पे ही हो गया तो दूसरे पे ही और द्वितीय स्थान पर पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है, यानी जनरली द कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर फ्रॉम द प्रिंटर टू द पेपर इज कॉल्ड सॉफ्ट, हार्ड, रोम, कैड। तो
दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हार्ट। दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक दोस्तों आपके लिए मैराथन क्लास आएगी जो कि आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की होगी, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, उसकी हम आपको बता देंगे जब आएगी। अभी आपको ऐसे ही मिल रहा है, आप इसको देखते रहें, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार करते रहें दोस्तों। अभी अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं इसके, तो उनको दोस्तों देखें। आपके लिए 50+ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए दोस्तों। कम से कम 10 क्वेश्चन भी माने तो 500+ क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड के, और दोस्तों कंप्यूटर की भी करा दिए हैं इतने। तो अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल।